हेलो, सो टुडेज़ टॉपिक इज़ आइडिया विच इज़ इंटरनेशनल डेटा इंक्रिप्शन एल्गोरिदम। इट इज़ अ सिमेट्रिक की एल्गोरिदम। ये एक सिमेट्रिक की एल्गोरिदम है, मतलब सेम की। इट इज़ अ ब्लॉक साइफर एल्गोरिदम। ब्लॉक्स में काम होगा। प्लेन टेक्स्ट जो होगा वो आपका होगा 64 बिट्स का। की साइज इज़ 128 बिट्स, जिसमें होगी 52 कीज आर यूज। अब कैसे यूज़ होगी आगे हम देखेंगे। देयर विल बी 8 राउंड्स, इसमें 8 राउंड होंगे, तो 8 प्लस हाफ राउंड, जिसको हमने बोले हैं आउटपुट ट्रांसफॉर्मेशन राउंड। इसमें आउटपुट आएगा लास्ट आपका, तो 8 एंड अ हाफ। ओके, हाफ राउंड यहाँ लिखा है। हाफ राउंड इज आउटपुट ट्रांसफॉर्मेशन राउंड। ईच राउंड यूजेस 6 कीज। हर राउंड में 6 की यूज होगी, जो कि 1 की इज इक्वल्स टू 16 बिट। तो हर राउंड में अगर 6 की यूज़ हो रही है, तो 8 6 48 हुआ आपका। 8 राउंड में आपने 6 कीज यूज़ किए। ओके, एक राउंड में 6 कीज है, तो 8 राउंड में 6 कीज हो गई आपकी 48 कीज। 48, बट हमने तो ऊपर देखे थे हमारे पास 52 कीज थी, तो 52 में से हमने इसमें से माइनस कर दी, हमारे पास 4 कीज बची अभी भी। तो ये 4 कीज आपको कहाँ काम आने वाली है, जो आपने हाफ राउंड लिए हो। 8 राउंड में तो 6 कीज 48 हो गई, हाफ राउंड में आपने यूज़ किए बची हुई 4 कीज, जिसको हमने बोले आउटपुट ट्रांसफॉर्मेशन राउंड। ओके, 4 कीज रिमेनिंग आर यूज्ड इन हाफ राउंड। देखिए इसका एल्गोरिदम, पहले एक डायग्राम देख लेते हैं हम इसका। 64 बिट का प्लेन टेक्स्ट है, उसको हमने डिवाइड कर दिया 4 ब्लॉक्स में। नाम दे दिया हमने ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3 एंड ब्लॉक 4। ईच ब्लॉक विल बी ऑफ 16 बिट, क्योंकि 16 4 64। ओके, इसको नाम दिया हमने प्लेन टेक्स्ट 1। राउंड 1 है ये आपका। हर राउंड में मैंने जैसे बताया आपको, राउंड 1 में आपको लगेगी 6 कीज, राउंड 2 में आपको लगेगी 6 कीज। तो हमने प्लेन टेक्स्ट नाम दिए इसको, प्लेन टेक्स्ट 1 के साथ हमने की 1 लगा दिए, प्लेन टेक्स्ट 2 के साथ हमने की 2 लगा दिए, जिसको दिए K2 नाम। ब्लॉक 3 के साथ हमने दिए K3 एंड ब्लॉक 4 इज K4। ये हो गई आपकी 4 कीज। नेक्स्ट आपने देखे हो जैसे 6 कीज है टोटल हर राउंड में, तो इस राउंड में 4 कीज तो हो चुकी जो हर ब्लॉक पे लगी, बट बची हुई 2 कीज कहाँ गई। तो बची हुई जो 2 कीज है, हमने उसको राउंड 1 में एग्जॉर करे इन सबको, तो एग्जॉर करने में हमें लगी K5 एंड K6। टोटल हमारे पास आप देख सकते K1 से लेके रहेगी, K1 से लेकर रहेगी K48 तक के कीज। K1 जो कि ये K1 और K48 विच इज K48। ओके, तो राउंड 1 में यूज़ हो चुकी 1 2 3 4 एंड 5 6, 6 कीज हो गई आपकी राउंड 1 में। उसके बाद नेक्स्ट राउंड आता है आपका, 6 कीज यहाँ ख़त्म हो चुकी है, नेक्स्ट विल बी K7। ये प्लेन टेक्स्ट नीचे आता जाएगा। टोटल राउंड्स जो है आपके वो है 8 राउंड्स। तो ये राउंड 1, ये राउंड 2। ओके, राउंड 2 में देखिए K7 दिए हमने, उसके बाद K8, K9 एंड K10, हर प्लेन टेक्स्ट के साथ एक एक दे दिए। इसका भी वैसे ही होगा, एग्जॉर होगा, जो कि 10 तक हो चुकी थी। 11 और 12 की जो है आपकी, ये आएगी एग्जॉर करने में। K7 से K10 ऊपर यूज़ हुई, K11 एंड 12 यूज़ हुई नीचे एग्जॉर में। ये भी हो गई आपकी 6 कीज। उसके बाद आप डायरेक्ट लिख सकते हो, अगर आप चाहे तो सारे राउंड्स की ऐसी इन्फॉर्मेशन लिखिए। राउंड 8 पे मैं आती हूँ, जिसके पहले हुआ K43 यूज़ हुआ, K44, 45 एंड 46, और लास्ट के जो थे K47, 48, क्योंकि 48 कीज तक के हमने 8 राउंड में यूज़ किए, ये भी यूज़ हो गई आपकी एग्जॉर में। ये डायग्राम पीछे से कंटिन्यू की हुई मैंने, बीच के स्किप करके। अब मिल जाता है हमें कुछ प्लेन टेक्स्ट, जितना भी इसका एग्जॉर करने के बाद में आपका रिजल्ट आया, आप उसे दोगे हाफ राउंड, जो कि है आउटपुट ट्रांसफॉर्मेशन, जिसके लिए हमने 48 के बाद से लेके 52 तक की कीज रखे थे, 49, 50, 51 एंड 52। ये 4 कीज रहेगी आपकी आउटपुट ट्रांसफॉर्मेशन में, जिससे मिलेगा आपको आपका साइफर टेक्स्ट 4 कीज लगाने के बाद, इन 4 प्लेन टेक्स्ट पे लगाने के बाद। और लास्ट जो रिजल्टेंट रहेगा आपका, वो रहेगा साइफर टेक्स्ट, और कंबाइन होके देगा आपको कंप्लीट प्लेन टेक्स्ट का साइफर टेक्स्ट। अब इसकी कुछ स्टेप्स है, हर राउंड में 14 स्टेप्स रहेगी। अभी तक 8 राउंड्स हुए, मैं एक राउंड की बता दी आपको। एक राउंड में आपकी 14 स्टेप्स रहेगी। स्टेप 1 जो रहेगी वो रहेगी मल्टीप्लाई P1 एंड K1।
आप शॉर्ट तरीके से इसको लिख सकते हो, स्टेप वन से लेके इस पेज पे सिक्स है, यहाँ पे दिया है आपका सेवन से लेकर पूरी 14 तक के। तो सबसे शॉर्ट तरीका जो है वो है एम ए एम मैम एक्स एक्स, हियर इट इज़ मामा एंड फोर टाइम्स एक्स। ओके, सो याद करने का ये तरीका है मैम एक्स एक्स एंड मामा फोर टाइम्स एक्स। तो m आपको पता है m इज़ मल्टीप्लीकेशन, a इज़ ऐड, तो आप मैम के आगे लिख सकते हो मल्टीप्लाई, ऐड ऐड मल्टीप्लाई, देन एक्स एक्स इज़ एक्सोर, उसके बाद आता है मामा, तो मामा इज़ मल्टीप्लाई ऐड मल्टीप्लाई ऐड, एंड फोर टाइम्स एक्स इज़ एक्सोर। अब मल्टीप्लाई करना क्या है, हमें मल्टीप्लाई करना है प्लेन टेक्स्ट वन को की वन के साथ, जो हमने फर्स्ट स्टेप में देखे थे लास्ट पेज पर। प्लेन टेक्स्ट वन को मल्टीप्लाई करना है की वन के साथ, देन नेक्स्ट स्टेप जो रहेगी आपकी वो रहेगी ऐड करेंगे हम प्लेन टेक्स्ट टू को की टू के साथ, थर्ड स्टेप ऐड करेंगे प्लेन टेक्स्ट थ्री को की थ्री के साथ, फोर्थ स्टेप मल्टीप्लाई करेंगे हम प्लेन टेक्स्ट फोर को की फोर के साथ। ये हो गए पी वन पी टू पी थ्री पी फोर एंड यहाँ के वन के टू के थ्री के फोर, ये हो गई आपका एम ए एम वाली स्टेप फोर तक। देन वी विल एग्जॉर ऑड नंबर्स को एग्जॉर करेंगे, जो कि एग्जॉर करेंगे स्टेप वन और स्टेप थ्री को। नेक्स्ट स्टेप रहेगी एग्जॉर करेंगे हम स्टेप टू और स्टेप फोर के आंसर को। उसके बाद आता है आपका एक्स एक्स हो चुका, देन आता है आपका एम ए एम ए, विच इज हमने उसे शॉर्ट में याद करने बोले मामा। ओके, स्टेप फाइव को हम करेंगे के फाइव के साथ। अब यहाँ फिफ्थ और सिक्स्थ की जो थी उसको हम निकाल लेंगे, यूज़ करेंगे स्टेप फाइव जो लास्ट यहाँ पर हुई है हमारी स्टेप फाइव। ओके, इसका जो भी आंसर रहेगा स्टेप फाइव के साथ लगाएंगे के फाइव, और नेक्स्ट स्टेप में रहेगा ऐड करेंगे हम स्टेप सिक्स एंड सेवन। तो यहाँ एक स्टेप एक की और ये दो स्टेप, यहाँ पर एक स्टेप एक की और ये दो स्टेप। ओके, ऐड करेंगे स्टेप सिक्स एंड सेवन, नेक्स्ट विल भी मल्टीप्लाई करेंगे हम स्टेप एट एंड के सिक्स, क्योंकि यहाँ फाइव एंड के फाइव हुआ तो एट एंड के सिक्स। इसको याद करना आप फाइव एंड फाइव याद रख सकते हो, और ये दोनों इवन नंबर्स एट एंड सिक्स। देन नेक्स्ट इज स्टेप टेन, ऐड करेंगे हम सेवन और नाइन को। सेवन और नाइन आप याद रख सकते हैं, दोनों ऑड नंबर्स है वैसे याद रख लीजिए। उसके बाद आता है फोर टाइम्स एक्स, इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको लेना है स्टेप वन एंड नाइन, मतलब फर्स्ट एंड लास्ट इधर वाली। ठीक है, स्टेप वन एंड नाइन, उसके बाद रहेगा ट्वेल्थ स्टेप स्टेप थ्री एंड नाइन, वन एंड नाइन थ्री एंड नाइन दोनों ऑड ऑड। उसके बाद आता है स्टेप थर्टीन, एग्जॉर करेंगे हम स्टेप टू एंड टेन, जो कि ये इवन नंबर, और लेंगे स्टेप फोर एंड टेन। तो यहाँ आ जाती है आपकी पूरी 14 स्टेप्स, ये बीच की जो दो है इनको हम स्वैप कर दिए। ओके, तो वन के बाद में टू आना चाहिए था, तो टू के बदले आया है थ्री, वन थ्री टू फोर, वन टू थ्री फोर ना आते हुए आया है वन थ्री टू फोर एंड नाइन नाइन टेन टेन, स्वैप हो गया ये बीच के दो स्टेप जो कि है 12 एंड 13 स्टेप, इसको स्वैप करके ये आंसर आता है। देन आता है आपका There will be no swapping in eighth round। जो eighth round था last वाला, ये round, इसमें कोई ही swap नहीं होगा कोई चीज़। There will be no swapping in eighth round। अब बचता है हमारा half round, जिसको हमने बोले output transformation round। तो output transformation में हमने क्या किया है, m a a m करे हमने, जो कि हो गया मैम, आप याद रख सकते हो इसको। output transformation में बस चार keys थी, K49 से लेके K52 तक। 49 से 52 जो हमने बचा के रखे थे उसको हमने यहाँ यूज़ कर लिए। जो भी आपका रिजल्ट आया, राउंड आया, राउंड को हमने क्या किया, R1 R2 R3 R4 को ये चार कीज के साथ में रिजल्ट को मर्ज कर दिए। ओके, तो ये चार कीज फर्स्ट वाले में हुआ, ये दो मल्टीप्लाई, नेक्स्ट वाले में ये दो ऐड हुआ, देन ये भी ऐड हुआ, और ये लास्ट में आ गया मल्टीप्लाई करके। तो ये हो गया आपका आउटपुट ट्रांसफॉर्मेशन राउंड। ओके, सो दिस वॉज आइडिया। ओके, थैंक यू।